हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस ट्रेडर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड लेने वाले हैं। और देखो, सैटरडे संडे में फ्री सेशन लिया था, कल भी लिया था। मतलब मैंने चीजें बताई कि 5 सेकंड के अंदर आपको कैसे ट्रेड लेना है, एसएनआर लेवल कैसे होते हैं, हेल्दी कैंडल कब क्या होता है, चीजें क्या होती है। आज भी मैंने उस पर बात की, नए बंदे थे तो धीरे धीरे उनको थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ जो कि उनको जाके आगे जाके हेल्प कर सकते। ओके ठीक है, हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे थोड़े से। लेवल्स आपको किस तरह बनाने, एसएनआर कैसे बनाने, देखो जब भी आपको एसएनआर बनाना हो तो आपको हेल्दी कैंडल देखनी है। हेल्दी कैंडल मतलब देखो इस तरह से, यहाँ पे देखो है ना हेल्दी कैंडल, तो यहाँ पे एक एसएनआर बन सकता है। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ क्योंकि देखो ऊपर और नीचे दोनों तरफ भी गए, ये वो बन गई। उसके बाद ये देखो यहाँ पे भी बन सकती है क्योंकि बीच में बायर कैंडल है, मोमेंटम नहीं है, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे भी मोमेंटम नहीं। मैं क्या कहूँगा, कम से कम वहाँ पे अगर आप कोई एसएनआर बना रहे हो तो कम से कम 3 कैंडल तो होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 कैंडल, तो मैंने यहाँ पे एक लेवल बना दी इस तरह से, 1 2 3 कैंडल है। तो उसके बाद देखो एक मोमेंटम भी है, राइट। तो यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, अब नीचे अब अगर आपको बनानी हो तो वहाँ पे भी आपको मोमेंटम ढूंढना पड़ेगा। ओके यहाँ पे है देखो, यहाँ पे हो गया इसका सपोर्ट क्योंकि 1 2 3 4 कैंडल है, राइट, बैक टू बैक। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना लिया। तो इस तरह से आप एसएनआर बना सकते हो जहाँ पे एक मोमेंटम है और कैंडल के ऊपर नीचे भी एक वेग है। ठीक है, ये मैंने आज फ्री सेशन में भी जिन लोगों को नहीं है उन्होंने कहा था कि थोड़ा एसएनआर पे भी एक वीडियो बना लो, तो ये एसएनआर पे मैंने वीडियो बनाया है, तो इसको ठीक से देख। अब मार्केट देखो इन दो एसएनआर के बीच में चल रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग कैसे ट्रेड, देखो यहाँ पे भी 1 2 3 कैंडल का मोमेंटम है, तो यहाँ पे भी एक लेवल बना दो। और आप जैसे ही देख सकते हो वैसे जैसे उस लेवल को टच करें तो बायर्स आ गए, राइट। वैसे कोई सेलर्स का लेवल नहीं दिख रहा है तो वेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, मार्केट अगर वापस से नीचे आता है तो मैं डेफिनेटली ऊपर लूंगा, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हम लोग नीचे के साइड ले लेंगे। तो कम से कम 3 कैंडल होना बहुत जरूरी है, और 3 कैंडल होने के से पहले पहली जो कैंडल है उसमें ऊपर और नीचे रिजेक्शन होना जरूरी है। देखो ये कोई यूट्यूब पे नहीं बताता, मैं आपको इन डिटेल बता रहा हूँ। और इसी तरह से हर मार्केट के जो जो उसके कॉर्नर्स है, जो जो चीजें मार्केट है, अगर वो आपको सीखनी तो आपको पर्सनल सेशन में ऐड होना पड़ेगा। और पर्सनल सेशन आपको किस तरह से होता है पर्सनल सेशन, वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो पर्सनल सेशन में क्या होता है, 15 डेज का हमारे सेशन से वो 1 1 घंटे के सेशन रहते हैं जिसमें मैं आपको लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करके बताने वाला हूँ। वहाँ पे लाइव मार्केट में जो देखो हमें दिक्कतें आती है, तो लाइव मार्केट में दिक्कतें समझने में ज्यादा आसान होता है, ना कि कोई मैं वीडियोज आपको बना के आपको वो चेप दू। वही वीडियोज देख के तो आप समझोगे नहीं, जो लाइव में चीजें समझ में मिलती है वो कहीं पे समझ में आपको नहीं मिलने वाली। ओके, तो लाइव में अगर आपको सीखना होगा तो आप पर्सनल सेशन ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी इन डिटेल हर मार्केट में देखो बहुत सारी चीजें सीखने जैसी रहती है, तो वो आपको अगर सीखनी रहेगी तो उसको समझना रहेगा। वैसे देखो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट मार्केट को वहां पे एक रिजेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। इस बेसिस पे देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड नीचे का एक हमारा एक एंट्री के मुझे लगा था यही से एक वो ये कर सकता है, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे देखो कैंडल रिएक्शन ने थोड़ा सा ऊपर गया था, इस वजह से जैसे मेरे को मौका मिला, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे देखो ये लेवल पे मैंने कहा था कि एक लेवल है जो ब्रेकआउट होने के बाद, मतलब अगर ब्रेकआउट होता तो डेफिनेटली सेलर साइड जाता, लेकिन वहां पे देखो सेलर का एक छोटा सा ब्रेकआउट है, छोटा सा मतलब कौन सा, रिजेक्शन। देखो उसका जो रिजेक्शन है उसने ब्रेकआउट कर दिया, तो एटलीस्ट इस कैंडल में क्या मिल सकता है, एक रिजेक्शन देखने को मिलता है। ओके, तो ऐसे ही माइन्यूट चीजें जो होती है वो मैं पर्सनल सेशन में इन डिटेल में बात करता हूँ। ओके, तो 10 दिन मैं आपको सिखाता हूँ, 5 दिन रहते हैं जहाँ पे आपको मेरे को ट्रेड लेके बताना है, ये आपको ट्रेड लेके बताना है कि भाई यहाँ पे मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ, और वहाँ पे आप कुछ गलतियाँ करते हो तो उसको मैं सुधारने के लिए कि मैंने आप 10 दिन में आपने क्या क्या सीखा, और 10 दिन में सीखने के बावजूद भी आप क्या गलती करें, वो भी चीजें वहाँ पे मैं करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी जो हमने ट्रेड लिया था, क्योंकि देखो ये हल्का सा ब्रेकआउट हुआ था रिजेक्शन से, इस वजह से यहाँ पे उसको रिजेक्शन मिलना चाहिए था, जो कि उसको बकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप देख सकते हो सेकेंड टिक जैसे मैंने बताया था, 1 2 3 कैंडल होने चाहिए, और वो 1 2 3 कैंडल के ऊपर नीचे रिजेक्शन होने चाहिए, तो वो भी यहाँ पे देखो बायर कैंडल भी वहां पे बन गई। ओके, तो ये दोनों भी चीजें हो गई। अगर ब्रेकआउट करता तो डेफिनेटली उसके ऊपर क्लोजिंग कर देता, देखो अगर ये ऊपर क्लोजिंग कर देता ना, ये रिजेक्शन जो नीचे आया उसके ऊपर ही क्लोजिंग कर देता, तो हम लोग ऊपर के साइड ट्रेड ले लेते बिंदास। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसका वीक ने थोड़ा सा लेवल को ब्रेक कर दिया। तो देखो ये जो वीडियो है ये उन उन सब के लिए जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं फ्री ग्रुप के अंदर, और जो यूट्यूब पे भी मुझसे मेरी फैमिली बन के जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए देखो मैं कोशिश करता हूँ हर जो वीडियो लाता हूँ उसमें इन डिटेल्स बात करूँ, इन डिटेलिंग में कैसे मार्केट को समझना है, छोटी छोटी चीजें।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वीडियो देख के कुछ चीजें समझ में, तो लाइफ में सीखनी पड़ती है, उसके लिए आपको पर्सनल सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वापिस से मैं नीचे के साइड ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पे वापिस से, यहाँ पे देखो वापिस से, क्योंकि देखो मैंने जो लेवल बनाई थी उस लेवल को देखो इसने ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया इसने? ब्रेक कर दिया, तो एटलीस्ट एक रिजेक्शन तो वहां पे देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। और देखो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस पे प्रैक्टिस कीजिए। मैं कहता हूँ कि इन चीजों पे आज जो मैंने चीजें सिखाई ना कि एसएनआर लेवल कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या चीजें वहां पे देखना, वो लिख के रखिए, एक बुक में लिख के रखिए। मेरे को अगर जो लोग व्यूवर्स है जिन्होंने इसको चीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर उनको रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो भाई मेरे को वो स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। वो आपने फोटो जो निकाले, अगर आपने राइटिंग वर्क करा है तो वो राइटिंग वर्क भी आप मेरे को भेज सकते हो कि वो भी दिखाए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ठीक से फॉलो कर रहे हो। अगर देखो आप मेहनत करोगे ना तो मेरे को भी आपको चीजें बताने में और मजा आएगा, क्योंकि देखो आप ग्रो कर रहे हो, ये मेरे लिए अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो आप मेरे को वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो मेरा भी काम बनता है कि आपको मैं हर तरह से आपको हेल्प करूँ। देखो आपको जितना मेरे लिमिट पुश करके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ उतना मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर और डिटेल में आपको सीखना तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, किसी के वीडियोस पे कोई वीडियोस आपको दे रहा है तो भाई उस पे भरोसा मत रखना, क्योंकि वीडियो से क्या होता है वो बंदा भले आपको कुछ चीजें बता दे लेकिन वो चीजें आपको समझ में आएगी नहीं आएगी तो आप पूछोगे कैसे। तो आपके पास कोई तो हक्का बंदा होना चाहिए कि जो आपको, आप उसको 10 20 जितने भी सवाल है वो आप पूछ सकते हो, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो जो चीजें मैंने आज बताई है वो आप उसको इम्प्लीमेंट करो। देखो इस तरह से आप लेवल्स बनाओ, देखो वापिस से देखो यहाँ पे अगर 3 कैंडल बनते हैं तो यहाँ पे भी एसएनआर बन जाती है, जो इसको मैं कहूंगा माइनर एसएनआर, नॉट कि इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी आप जाके बना सकते हो, वो अलग वीडियो रहेगा। लेकिन आप एसएनआर बनाना हो तो वहां पे एक मोमेंटम होना चाहिए 1 2 3 कैंडल का एटलीस्ट। ओके तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो, एक लास्ट ट्रेड ले लूंगा अगर ये मार्केट यहाँ पे रीच करता है तो, वरना हम लोग यहीं पे इस वीडियो को मैं रैप कर देता हूँ। अगर आपको समझा होगा, नहीं समझा होगा, जो भी होगा तो आप मेरे को टेलीग्राम पे टेक्स्ट करके बता सकते हो इस वीडियो रिलेटेड। इसको पहले आप प्रैक्टिस करो, देखो एसएनआर लेवल पे जा रहा है ये, ठीक है, जो मैंने लेवल बनाई थी वही है। यहाँ पे मैं अमाउंट इंक्रीज करने वाला हूँ, यार ये तो पूरी टोटल अमाउंट लगा रहा है, ठीक है, यहाँ पे इतनी अमाउंट के लेंगे, टोटल अमाउंट नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले देखना है कि वहां पे जाके रिजेक्शन खा रहा है क्या, उसकी क्लोजिंग देखनी है हमें, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग देखनी है उसकी। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा डाउनवर्ड साइड। ओके, यहाँ पे थोड़ा लेट ट्रेड प्लेस हो गया, अगर ऊपर जाएगा तो और एक ट्रेड प्लेस कर देंगे हम लोग यहाँ पे। ओके, लेवल के बाद जाएगा तो ठीक है, मार्केट देखो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा कैंडल रिएक्शन भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड ले लिए और 2 ट्रेड देखो मैंने नीचे के साइड ले लिए। अब देखो यहाँ पे मार्केट जरूर, क्योंकि इसने क्या हुआ, थोड़ा सा गैप इसने ज्यादा बड़ा रिजेक्शन दिखाया, देखो यहाँ पे देखो इस लेवल पे बड़ा रिजेक्शन दिखाया, इस वजह से वो जा रहा है ऊपर। लेकिन अगर ये बड़ा नहीं, थोड़ा सा कम कम रिजेक्शन मतलब रिजेक्ट कर ले, लेकिन नीचे क्लोजिंग होती तो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे डायरेक्ट चला जाता। अब ये क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, क्योंकि देखो ये गैप भी उसको फिल करनी थी, लेकिन हमने जो लेवल बनाई थी वो भाई बहुत तगड़ी लेवल थी। तो भाई अगर हमने क्या क्या चीजें देख के वहां पे लेवल बनाए, तो हेल्दी कैंडल देखा, उसके बाद मोमेंटम देखा, इस वजह से याद रखना, इस वजह से हमारा ट्रेड जरूर विन होगा। और देखो ये ट्रेड भी हमारा विन होगा, तो इसी तरह से आपको सीखना होगा, इसी तरह से आपको अगर ट्रेडिंग करनी होगी तो आप मेरे को पर्सनली पर्सनल सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको मार्केट में सिर्फ स्ट्रेटेजीज देखने होंगे, सिर्फ स्ट्रेटेजीज पे आपको स्ट्रेटेजीज परचेस करने होगा, तो वो भी अभी मैंने अवेलेबल कर लिया, कि कुछ लोगों को मार्केट समझ में नहीं आता, तो कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी है कि जो आपको अगर जानना होगा, आपको वो मैजिक देखना होगा, तो आप मेरे को उसका डेमो देखना होगा, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको मैजिक वो जो है वो भी दिखा दूंगा। फिर उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको वो स्ट्रेटेजीज में इन्वॉल्व होना है या फिर वो परचेस करने की नहीं करने है। ठीक है, तो दोस्तों यही पे हम लोग रुकते हैं, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाय बाय, टेक केयर।